कंगना रनौत के खिलाफ इंडस्ट्री पे मोर्चा निकल चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत को धमकियां दी जा रही है कि वो मुंबई ना आए। जी हाँ, अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा और कहा कि कंगना को अगर इतना ही अनसेफ महसूस होता है मुंबई में तो उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। उस चीज का रिस्पॉन्ड करते हुए कंगना रनौत ने साफ तौर पर एक पोस्ट जारी किया है और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने भी जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि कंगना ने लिखा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, अगर मुंबई में रहना है तो मेरा पूरा हक बनता है मुंबई में रहने का, मेरा घर है वहां पर, मेरा काम है वहां पर। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि 100 साल की इस फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म इन लोगों से नहीं बनी मराठाओं पर, एक फिल्म नहीं बनी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, लेकिन उसके अलावा बातें ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और मैंने अपनी जान अपना पैसा सब दांव पर लगाकर रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी महाराज की फिल्म बनाई। सो इस चीज को कहते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैं दिल से मराठा हूं और मैं मुंबई में रहूंगी, जिसको जो बन पड़ता है कर लो, जिससे जो उखड़ता है उखाड़ लो, मैं यही हूं और यही रहूंगी। इस तरह की बात कंगना रनौत ने कर दी और साथ ही साथ रंगोली चंदेल जो कि उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात पर पूरी तरीके से सपोर्ट किया कंगना रनौत को और साथ ही साथ उन्होंने भी लिखा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अपना ओपिनियन रखना इस चीज पर कि किस तरीके से मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त जो काम कर रही है, जिसके लिए पूरा देश उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, उस चीज पर मुंबई पुलिस जो है वो लगातार ये कह रही है कि कंगना को अगर इतना ही अनसेफ लगता है मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन के अंडर तो फिर उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए, मुंबई में नहीं रहना चाहिए। सो इस चीज पर अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है इस चीज पर। पर कंगना ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने से आती है बातें। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कंगना और रंगोली दोनों ने ये भी कहा कि हम कुछ ही दिनों में मुंबई वापस आ रहे हैं और जिससे जो बन पड़ता है बन ले, जिससे जो हो रहा है करके दिखा दे, रोक सको तो रोक लो, बट हम तो मुंबई आएंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे भी।